यू कैन ब्रिंग फूड फ्रॉम एयरक्राफ्ट, जो फूड लाना अलाउड है. बेसिकली पैक्ड फूड लाना अलाउड नहीं होता, पर कोई भी फूड जो कि पैक्ड नहीं है. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. सो आई एम बैक हियर अगेन विद अनदर वीडियो एंड टॉपिक ऑफ माई वीडियो टुडे इज हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन. बेसिकली मैं अपने इंस्टाग्राम पे क्यू एन ए कर रही थी और मुझे एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम आप प्लीज इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि हमें अकोमोडेशन कैसे मिलती है. सो फर्स्ट थिंग इज कि अकोमोडेशन पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी. जस्ट इन केस अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आपको मेरे आई जी टी वी पे सर्च करनी पड़ेगी. टॉपिक ऑफ माई वीडियो टुडे इज अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी. सो मैं आज आपको बताऊंगी कि कंपनी अकोमोडेशन कितने दिन के लिए और कैसे कैसे प्रोवाइड करती है, और अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है. सो फर्स्ट थिंग इज कि जब भी आप किसी नए सिटी या टाउन में जाते हैं या आपकी कंपनी आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाती है तो आपकी कंपनी हमेशा आपको एक हफ्ते के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है. और आप उस होटल में रह के, क्योंकि आप एक अकेले नहीं होते, आपके साथ पूरा बैच होता है, आप 20 से 25 लोग एक साथ उस होटल में रुके हुए होते हैं, तो आप सब साथ में मिलके अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं. नाउ सेकंड, हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन. जो लोग होटल में होते हैं उनके पास कुछ हॉस्टल्स या फ्लैट्स के डिटेल्स होते हैं, तो आप उनसे नंबर ले सकते हैं और अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं. थर्ड थिंग, जो 20 से 25 लोगों का ग्रुप आपके साथ होता है उसमें कुछ ना कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी होते हैं, तो जो एक्सपीरियंस क्रू होता है उनके फ्रेंड हर जगह होते हैं, तो वो लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं अकोमोडेशन ढूंढने के लिए उसी सिटी में. फोर्थ, कुछ कुछ लोकल लोग भी होते हैं जो ट्रेनिंग में होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैं इंडिगो में थी तो मेरी क्लास में 25 लोग थे, 25 में से 5 लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे, उनके हर जगह फ्रेंड्स थे, तो उनको उनके फ्रेंड्स ने हेल्प कर दिया और उन्होंने हमें हेल्प कर दिया. ऑल्सो उन 25 लोगों में से 4 या 6 लड़कियां दिल्ली की थी, तो जो लड़कियां दिल्ली की थी उनको ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे कहाँ पे हॉस्टल्स हैं, या आपको कैसे हॉस्टल मिल सकता है, या फ्लैट कैसे मिल सकता है, या कोई डीलर्स जो होते हैं आपको हॉस्टल्स दिलाते हैं, जो उनके कॉन्टैक्ट्स भी उनके पास थे. ऑल्सो नॉट जस्ट दैट, जो आपकी कंपनी है वो भी आपको हेल्प करती है. आप अपने एचआर से बोल सकते हैं, आई नीड हेल्प टू फाइंड अकोमोडेशन, एंड दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू विद सम नंबर्स एंड डिटेल्स. नाउ अदर थिंग इज कि अगर आपको अकोमोडेशन फिर भी नहीं मिल रही है तो हमारी टेक्नोलॉजी इतना ग्रो हो चुकी है कि आपको OLX पे, मैजिक ब्रिक्स पे और जितने भी ऐसे एप्स हैं वहां पे इजीली अकोमोडेशन मिल जाता है. बट द थिंग इज कि यस, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको एक अनजान सिटी में ऊबर लेके ढूंढना पड़ता है कि अकोमोडेशन कहाँ पे है. ऑलरेडी पता होता है तो आपको एटलीस्ट जाके देखना पड़ता है कि ये सूटेबल है या नहीं, बट आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि आपके साथ बहुत सारी और भी लड़कियां होती हैं, तो आप सभी लड़कियां साथ में जा सकते हैं. मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मेरी इंडिगो में ज्वाइनिंग हुई थी तो मेरे को एक होटल मिला था 15 डेज के लिए, और उस होटल में मेरी जैसी 15-20 और भी लड़कियां थी, तो हम सब लड़कियों ने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप पे हमने अपनी सारी चार्ट्स करी, एंड देन हम लोगों ने प्लान करा कि आज सैटरडे और संडे है, आज हमारी ट्रेनिंग की छुट्टी है, तो आज हम लोग अकोमोडेशन ढूंढने जाएंगे. ऑल्सो हम में से कुछ लोगों ने दो ग्रुप्स बना लिए, दो लोग इस तरफ जाओ, दो लोग इस तरफ जाओ, और जहां पे भी अकोमोडेशन मिले सबके लिए ले लेना. तो हमने 2 BHK, 3 BHK, 5 BHK फ्लैट्स भी देखे और हमने हॉस्टल्स भी देखे. कुछ लोग जिनको हॉस्टल सूट हुआ उन्होंने हॉस्टल ले लिया, कुछ लोग जिनको फ्लैट सूट हुआ उन्होंने फ्लैट ले लिया. बट फ्लैट में डिसएडवांटेज ये है कि आपको खाना वाना सब खुद बनाना पड़ता है, एंड हॉस्टल में एडवांटेज ये है कि आपको खाने की टेंशन नहीं रहती, तो आप अपनी ट्रेनिंग पे फोकस कर सकते हैं. तो जस्ट इन केस अगर आपको अकोमोडेशन ढूंढना है तो मेक श्योर कि आप हॉस्टल में रहें वाइल्ड ट्रेनिंग. एंड फ्लैट में रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आपको एडवांस पे करना पड़ता है, और 2 या 3 महीने के लिए कोई हार्डली अपना फ्लैट आपको रेंट पे देता है. नाउ जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो अगेन आपकी एयरलाइंस जब आपको दूसरी सिटी में या आपके बेस में शिफ्ट करती हैं, तब भी वो आपको 15 डेज के लिए स्टे प्रोवाइड करती हैं. अगेन आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और उस होटल में सब लोग लोकल होते हैं, उन लोगों से नंबर्स ले सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं. आपका जो बेस है वो भी आपको कुछ हॉस्टल्स और फ्लैट ओनर्स के नंबर प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी हेल्प हो जाए. नॉट जस्ट दैट, जब तक आप 15 डेज के लिए होटल में हैं तब तक आपकी 15 डेज में फ्लाइट्स भी होती हैं, तो उस फ्लाइट्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जो लोकल क्रू है उनसे दोस्ती करिए, अपने बेस में जो क्रू
हैं उनसे दोस्ती करिए, उनसे पूछिए आप कहाँ रहते हैं, वहाँ पे कोई फ्लैट खाली है या नहीं, या कोई हॉस्टल उनको पता हो। फ्लाइंग के टाइम पे आई वोंट सजेस्ट कि आप लोग हॉस्टल में रहो, क्योंकि वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री एग्जिट की प्रॉब्लम होती है। देन यू हैव टू सबमिट योर डिटेल्स, अपने कंपनी से लिखवाना पड़ता है कि हमारी फ्लाइट कभी भी हो सकती है एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। एंड ऑल्सो हॉस्टल में आपको एक रूम शेयर करना पड़ता है, पर अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप अपना पर्सनल रूम ले सकते हैं। नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट कि आप अपना खाना पीना कैसे मैनेज करते हैं। यूजुअली एक फ्लैट में 2, 3 या 4 लड़कियां रहती हैं। अगर आप लोग सेम सिटी सेम टाउन से हैं तो ऑब्वियसली आपका खाने का टेस्ट सेम होगा, आप लोग साथ में बना सकते हैं, साथ में कुक कर सकते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्लाइंग के टाइम पे बहुत हेक्टिक हो जाता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कुक। तो आपके लिए बेस्ट पॉइंट ये है कि या तो आप टिफिन लगवा लीजिए, या तो आप कोई फुल टाइम मेड रख लीजिए जो आपको कभी भी कुकिंग करके दे सके। ऑल्सो वॉट यू कैन डू इज यूज योर ब्रेन, यू कैन ब्रिंग फूड फ्रॉम एयरक्राफ्ट, जो फूड लाना अलाउड है। बेसिकली पैक्ड फूड लाना अलाउड नहीं होता, पर कोई भी फूड जो कि पैक्ड नहीं है, लाइक योर मील्स और मे बी फ्रूट्स और सैंडविचेस, ये सब लाना फ्लाइट से अलाउड होता है। तो आप फ्लाइट से सैंडविचेस और अपनी मील्स लेकर आ सकते हैं, घर पे गर्म करके खा सकते हैं, या फिर जब आप ले ओवर पे हैं तो आप वहां से ही कुछ पैक करा के ले आइए और फ्लाइट से आने के बाद घर पे गर्म करके खा लीजिए। अगर आप दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज में हैं तो वहां पे खाना 24/7 अवेलेबल रहता है, यू कैन कॉल फ्रॉम स्विगी और जोमैटो। और अगर आप अलग अलग सिटीज, अलग अलग टाउन से, आप सबका अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग फ्लेवर है, तो फिर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड अगर आपको कुकिंग आती है तो वेरी गुड, नहीं तो मैगी इज बेस्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आई वोंट लाई, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ढूंढने के लिए। बट द थिंग इज कि आप अकेले नहीं होते, आपके साथ हमेशा कोई ना कोई होता है। तो मेक श्योर जब आप ट्रेनिंग पे जाएं तो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएं, बहुत सारे लोगों से दोस्ती करें और बहुत सारे लोगों से कनेक्शंस बनाएं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई रिलेटिव वहां पे रहता है तो आपको उनकी हेल्प भी लेनी ही चाहिए, क्योंकि दैट विल बी मच सेफर एंड ईजियर फॉर यू गाइज। सो जस्ट इन केस आपको अकोमोडेशन के रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो, कैसे ढूंढना है, क्या करना है, तो यू कैन कॉमेंट बिलो। इफ यू लाइक माई कंटेंट एंड माई वीडियो, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बाय।